अगर आप भी इस टाइप की डीपी को जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इस टाइप की डीपी को जनरेट कर सकते हैं काफ़ी सिंपल तरीके से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आप इसको कैसे कैसे इसको जनरेट किया जाता है और कैसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, तुरंत पहले लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को, और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको एक साइट पर जाना है जिसका नाम है गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको सर्च कर लेना है, यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है इंस्टा रॉकेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पर आ गया इंस्टा रॉकेट, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। सर्च करते ही आपका यहाँ पहले वाले नंबर पर जो साइट आता है उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही आपका एक साइट खुल रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए ट्राई अनलिंक नाउ, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। इसको आपको यहाँ पर कट कर देना है और उसको यहाँ पे ट्राई अनलिंक का या ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है, तो आपको सिंपली एकदम नीचे जाना है। नीचे जाते ही आपको थोड़े देर नीचे जाना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट बॉर्डर नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ढेर सारे बॉर्डर्स आ चुके हैं, तो यहां पर देख सकते हैं आप जिस टाइप के बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहां पर आप लगा सकते हैं। तो हमको जो सबसे पॉपुलर है वो वाला लगाना है, तो यहां पर अभी आ रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, तो आपको यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैं सिलेक्ट कर दिया, और नीचे यहाँ पर सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन दे रहा है, तो सिलेक्ट फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको अगर बैच लगाना है या वेरीफाई ब्लू टिक लगाना है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना और फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट आप फाइल से कर लीजिए, आप बहुत सारे ऑप्शन से वहाँ से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक फाइल खुलेगा जिसके ज़रिए आप, जैसे मैं ये फ़ोन का ले रहा हूँ, आप कोई भी फ़ोटो अपना ले सकते हैं। तो ये लोडिंग होता है, अगर आपका इंटरनेट फास्ट होगा तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा, स्लो रहेगा तो थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये अभी थोड़ा बन रहा है, मतलब जनरेट हो रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा 10-20 सेकंड का। यहाँ से आप काफ़ी सिंपल तरीके से आप यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो को जनरेट कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पर लगा कर अपने प्रोफाइल फ़ोटो को एकदम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल तरीके में आपका, देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव आपका बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ब्लू टिक के साथ आया है, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करते ही आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, आपकी फ़ाइल में सेव हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोडिंग कम्प्लीट हो चुका है, देखिए हो रहा है, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अपना ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है आपके प्रोफाइल फोटो कॉर्नर में। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दबा मतलब टाइप ही करें, न्यू प्रोफाइल फ़ोटो आएगा, तो वहाँ पे सिलेक्ट कर आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को लगा सकते हैं। तो यही हमारा छोटा सा वीडियो था, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लिखो।